नमस्कार दोस्तों, अगर किसी घर में बार बार उल्लू आ जाता है तो इसका क्या मतलब है? बहुत से लोग मुझसे इस चीज़ का जवाब चाहते हैं कि बार बार हमारे घर में उल्लू आ रहा है, ये कोई अनिष्ट तो नहीं है? चलिए पक्षी तंत्र क्या कह रहे हैं देखते हैं, लेकिन पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि सब्सक्राइब का बटन ज़रूर क्लिक करें। देखिए, अपने वीडियो में मैंने बार बार आपको बताया है कि पक्षी तंत्र के हिसाब से अगर उल्लू पूर्व दिशा की तरफ से घर में प्रवेश करता है या कोई आवाज़ आपको पूर्व दिशा में बैठे हुए उल्लू की सुनाई दे रही है, और उल्लू नहीं दिख रहा लेकिन आवाज़ सुनाई दे रही है, ये अत्यंत अत्यंत अत्यधिक अत्यंत शुभ है। लेकिन बाकी किसी दशा में अगर आपको उल्लू दिखाई दे रहा है तो वो इतना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि लेकिन हाँ ये भी है कि अगर पूर्व उत्तर या दक्षिण, पूर्व दक्षिण में ये उल्लू दिख रहा है तो ये भी शुभ में आएगा। लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपको दक्षिण दिशा की तरफ से उल्लू दिखा है, प्लीज़ ध्यान दें, दक्षिण दिशा की तरफ से दिखने वाला उल्लू अगर घर के बाहर से भी है तो वो शुभ नहीं है। और किसी घर में बार बार उल्लू आ रहा है, बार बार उल्लू आ रहा है, तो वो भी शुभ नहीं होता। आपको उसे भगा देना चाहिए, उड़ा देना चाहिए, क्योंकि बार बार उल्लू आने का, उल्लू उजाड़ पसंद करता है। इसमें दोनों चीज़ें हैं, कहीं तो ये धन लेकर आ रहा है तो कहीं ये उजाड़ लेकर आ रहा है। सो इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर बार बार उल्लू आ रहा है तो आप उसे भगाएं, हटा दें अपने सामने से। अचानक से दिखा हुआ उल्लू, एक बार दिखा हुआ उल्लू, दो बार दिखा, वो शुभ है। लेकिन आप अगर कहें कि हर रोज़ ही उल्लू आ जाता है और आप उसे ये सोचकर घर में बैठा रहने दें, ये तो शुभ है नहीं, उसे हटा दें, उड़ा दें। उम्मीद है ये छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगी। धन्यवाद।